कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण, आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ी गांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कई स्वास्थ्य का केंद्र, कई कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धुलिया पार के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी मिल लगी थी, चीनी मिल एक भी नहीं थी, आज वहां कंप्रेस बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और दुधली के भी आम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य, और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है गीदा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं, एक सीमेंट की फैक्ट्री हम दुनिया भर के पास लगाने जा रहे हैं, और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहां के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, इन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी, इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। इस सड़क, ये बिजली, ये पानी, इसी के लिए तैयार हो रहा है। आज आप जाइए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको गांव गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ कर, कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे, जाति के नाम पर अगर हम बहेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान तो खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा, और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी था, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी तब, प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी तब, सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की थी, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मान लें, बाकी के लिए। और आज हमारे लिए क्या, अरे गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो, रात्रि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते क्या? अरे तो जूझने का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को लाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास आता है। कमलेश पासवान सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास आएगा। आज तक राजेश त्रिपाठी जी को या विनेश पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं,
विधायक चुने जाते हैं लेकिन मखनों में वोट मेरे पास ही आता है और फिर उस वोट को देख करके हम लोग भी उत्साहित होते हैं, फिर विकास का पैसा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये कौड़ीराम से गजपुर का वहां क्या हाल है, कौड़ीराम में बाईपास आज बन गया है, पूरा ट्रैफिक कहीं भी कोई जाम नहीं है। मेरे पिछली बार जब हम सभा करने गए थे क्या हाल था, बड़ी बड़ी हाल है। आज तो बाहरी वाहन बाहर बार बाहर बार निकल जाएगा, केवल जिनको बाजार में आना है वही लोग यहाँ पर आकर के अपना काम धाम करके फिर निकल गए। विकास के साथ ये सभी कार्य हो रहे हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सम्मान, इन सब के लिए गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में आतंकी विस्फोट होते थे, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उपचार के गांव में लोग दम तोड़ते थे, इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहनों भाइयों, आज गरीब का बच्चा नहीं मरता है क्योंकि इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं क्योंकि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर रहे हैं। आज गरीब को राशन दिया जा रहा है, गरीब के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था हो रही है और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को मानसिंह की उम्र कितनी हो गई, 75-76 साल हो गए हैं, 75 साल, तो ये 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का फ्री में उपचार की व्यवस्था हर साल होगी, हर साल होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और बाकी जितने बचे हैं ना, जितने बचे हैं उन सबका अगले 5 वर्ष के अंदर एक एक मकान बन जाए। बहनों भाइयों, वहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कहती है, कहती है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं ना, पर्सनल लॉ का मतलब है ये आपकी बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगे, बुर्का पहन करके घर में दबना पड़ेगा, तब तक सुबह के रहना पड़ेगा। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, भारत किसी शरीर के कानून से नहीं चलेगा, यह भारतीय जनता पार्टी का है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं हम प्रश्नों का लॉग लागू करेंगे। ये कहते हैं आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे दादी जो नारा लगाती थी 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा रहा, देखो रहे हो ना, 54 वर्ष के बाद गरीब हटाएंगे और कहा गरीब कैसे हटाएंगे, गरीब कहा एक झटके में हटा देंगे, कहा एक झटके में कैसे, कहा सबकी संपत्ति का हम सर्वे करवाएंगे, कहा और कहा सर्वे करा करके उसमें से आधी संपत्ति उनकी ले लेंगे वरासत टैक्स लगा, यानी आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर ने आपके बाप दादा ने कोई संपत्ति बनाई है, कोई मकान खेत पैसा जेवर, उनमें से आधा एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। आप कहो 4 कमरे का कोई घर आपका है, आपके बाबा ने बनाया है, ये लोग आएंगे अगर तो कहते हैं 2 कमरा ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के उसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी घुसपैठी मुसलमान को बसा देंगे। अरे देखो क्या पाप करना चाहते हैं, क्या उसको स्वीकार करेंगे क्या, अरे इनके अंदर आप औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। औरंगजेब कोई सही मुसलमान के अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, नहीं रखता क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद कर दिया था
उसका बाप का नाम था सांझा। वह आगरा का जो ताजमहल है इसी सांझा ने बनाया था। सांझा लिखता है औरंगजेब के बारे में, कहता है कि पुष्ट औरंगजेब कुछ जैसा जल्लाद पुत्र किसी को पैदा ना हो, तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करते हैं और कहते हैं उसको भी तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाए।